जो आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और थोड़ा क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है कि भाई वो औरंगज़ेब वेरी बैड, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह। अब ये आधे सच के आधार पे नफ़रत फैलाने का काम है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान राजा ने कुछ किया या पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का जो कत्लेआम किया, क्या उसके लिए आज के लोग जिम्मेदार हैं? ये मेरा पहला सवाल है। आप उसके लिए आज के हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं हैं। तो मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को भी दान दिया, वो अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, उसको आप गहराई से सोचिएगा। इस बात को भी कहा जाता है कि अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, तलवार से लोगों को डराया, इस्लाम को लोगों पर लाद दिया। बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये भाई तो मुझे भी नहीं पता, ये बात लोग कहते हैं तो मैंने भी आपके सामने कह दिया। वैसे मैं इतनी बात जानता हूँ, इस्लाम में ज़बरदस्ती अलाउड नहीं है। जो ज़बरदस्ती से फैलाया गया वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादा हमारा फोकस इतिहास पे है कि भाई वो राजाओं ने बहुत अत्याचार किया तो उसका हमको बदला लेना है, वो हमारे मंदिर तोड़े गए तो हमको मंदिर बनाना है। अब सौभाग्यवश एक बात नहीं होती कि हमारे जो बुद्ध विहार तोड़े गए उसके बारे में बात नहीं होती, तो उसके बारे में ये अच्छा लगता है कि इतिहास में आप ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, केवल मुसलमानों को ही टारगेट करके आप रुक रहे हो। खैर उसके बारे में भी एक चीज़ है। तो ये जो नफ़रत फैलाने का काम है कि एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर जब हम खड़े हैं तो वो खुद को और हम सबको याद दिला रहे हैं कि एक आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है, और ख़तरे में हैं, और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसको जमा करके रखें, हम उसको बचा के रखें, प्रिजर्व। ये दो उसके बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मुचकुंद दुबे साहब ने और मेरे पहले के वक्ताओं ने इसके बहुत सारे मुद्दों पे रोशनी डाली है। मैं उसके एक दो चीज़ों को लेना चाहूँगा कि ये आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ से आया, क्या ये शुरुआत से है, सदियों से है? हम लोग इस धरती के लोग, ये तो जैसे वो शेर में कहा, कारवां आते रहे, देश बनता गया, पर इंडिया के जो बनने की बात है वो निश्चित रूप से एक आधुनिक मॉडर्न प्रोसेस है। इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पहले बादशाहतें थी, राजाशाही थी, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी, और उसमें से एक आइडिया ऑफ इंडिया जो निकला, उसके जो मिले जुले हमारी संस्कृति के पहलू हैं उस पर मुचकुंद दुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारी मुख्य रूप से सभ्यता संस्कृति जो है वो मिली जुली है, उसमें अलग अलग चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी कितने प्रकार के अलग अलग सेक्ट हैं, सबके मेल जोल से ही हमारी पहचान बनी। और इस पहचान में से जब भारत के बनने की, इंडिया के बनने की प्रोसेस थोड़ा मैं आपके साथ समझना चाहता हूँ। और जैसे कि पहले मुसलमान राजा थे, हिंदू राजा थे, ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आजकल ज़्यादा हमारा फोकस इतिहास पे है कि भाई वो राजाओं ने बहुत अत्याचार किया तो उसका हमको बदला लेना है, वो हमारे मंदिर तोड़े गए तो हमको मंदिर बनाना है। अब सौभाग्यवश एक बात नहीं होती कि हमारे जो बुद्ध विहार तोड़े गए उसके बारे में बात नहीं होती, तो उसके बारे में ये अच्छा लगता है कि इतिहास में आप ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, केवल मुसलमानों को ही टारगेट करके आप रुक रहे हो। खैर उसके बारे में भी एक चीज़ है। तो ये जो नफ़रत फैलाने का काम है ये हमारी आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश है। याद रखिए, देखो दोस्तों, जो आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और थोड़ा क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को भी किया जा रहा है, ये उनको तो टारगेट किया ही जा रहा है, साथ में साथ इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो आज़ादी के आंदोलन से जो हमारे मूल्य निकले, जो हम एक देश बने, जिसको हमने कहा इंडिया इज़ ए नेशन इन द मेकिंग। याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की वो किताब का शीर्षक है इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, और उसमें ये मुख्य बात थी कि हम सदियों से ये संस्कृति है पर उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव आना ये एक नदी की निशानी होती है, एक स्थिर तालाब होता है
वो तालाब का तालाब वहीं खड़ा है, नदी बहती है, उसमें परिवर्तन आते हैं, उससे जो सुधार होते हैं वो एक आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में उभरा। तो इसके थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि जैसे पहले के राजाओं की बात मैं छोड़ देता हूं, वो भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कि एक टॉपिक के ऊपर मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा, क्या ये राजा लोग मज़हब के लिए राज्य करते थे, ये एक बात समझना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जैसे अभी वो आपको याद होगा काशी विश्वनाथ के मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तो वो दिन तो आप शायद टीवी पे दिन भर बैठे रहे होंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे थे और दिन में कितने बार उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा भाई ये कितना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, हर 3 घंटे पे नए कपड़ों में दिखता है, वो बात एक अच्छी भी लगी। खैर, पर यही उसी के बहाने राजाओं पे भी दोष डाला जाता है कि भाई वो औरंगज़ेब वेरी बैड, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह। अब ये आधे सच के आधार पे नफ़रत फैलाने का काम है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान राजा ने कुछ किया या पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का जो कत्लेआम किया, क्या उसके लिए आज के लोग जिम्मेदार हैं? ये मेरा पहला सवाल है, आप इसको जवाब दीजिए। राजाशाही में औरंगज़ेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया, उसके लिए आज के हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आधे सच के आधार पे नफ़रत को फैलाना। अभी मैंने आधे सच की बात कही क्योंकि अभी एक शायद फिल्म भी आई थी कश्मीर फाइल्स, आप में से कईयों ने देखी होगी, उसमें वो खुद कहती है कि आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैंने कहा आपने फिल्म में तो वही लागू किया है, आधा सच बता के आपने नफरत पैदा करने का काम किया। तो ये भी आधा सच है कि जैसे मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, इस बात को छुपा दिया जाता है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को भी दान दिया, वो अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, उसको आप गहराई से सोचिएगा। इस बात को भी कहा जाता है कि अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, तलवार से लोगों को डराया, इस्लाम को लोगों पर लाद दिया। अब आपने तो सुन लिया, पर कई बार मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। मैं यही बात कह रहा था, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, तो 2-3 दोस्त खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है, अगर राजा के एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान है तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा। मैंने कहा ये भाई तो मुझे भी नहीं पता, ये बात लोग कहते हैं तो मैंने भी आपके सामने कह दिया। वैसे मैं इतनी बात जानता हूँ, इस्लाम में ज़बरदस्ती अलाउड नहीं है, जो ज़बरदस्ती से फैलाया गया वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन, ये जो अरेबिक तो मुझे आती नहीं है तो पर अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करते रहता हूँ, कुछ जो टीचिंग अलग अलग धर्मों की हैं, तो ये एक फैलाया गया। फिर क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा गया कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरी वेरी डेंजरस, वो पेस्टर स्ट्रेंस को जलाया था, आपको याद होगा, नफ़रत फैलाने के लिए पेस्टर स्ट्रेंस उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जलाया, बोले ये तो यहाँ ईसाई धर्म को फैला रहे हैं। तो फिर मैंने एक थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि भारत में ईसाई धर्म AD 52 यानी जो कॉमन इरा के 52वें साल में ईसाई धर्म सेंट थॉमस आए, मलाबार तट पर चर्चों की स्थापना की, यानी भारत का ईसाई धर्म इंग्लैंड के और अमेरिका के ईसाई धर्म से पुराना है, पहली बात। और 2000 साल से क्रिश्चियन मिशनरीज पर आरोप है ये धर्मांतरण कर रहे। और आज जब मैं पॉपुलेशन सेंसस देखता हूँ तो यहाँ ईसाइयों का जो परसेंटेज है वो 2.3। तो लोगों से मैं ऐसे सवाल पूछता रहता हूँ, ईसाई मिशनरी इतने सालों से काम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को कन्वर्ट किया, 2.3। तो खैर मैं IIT में प्रोफेसर था, अपूर्वानंद जैसे प्रोफेसर भी हैं, हमारा काम इवेल्युएट करना होता है, तो ईसाई मिशनरियों के काम को इवेल्युएट किया तो उनको पास करेंगे या फेल करेंगे 2.3 पे? पास तो हो ही नहीं सकते। तो एक तरफ से ईसाइयों के खिलाफ नफरत, एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत, ये हमारे आइडिया ऑफ इंडिया की जगह में नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो एक तरफ आपको वो लोग मिलते हैं जो शहीद आज़म भगत सिंह, उनको भी थोड़ा याद कीजिए, शहीद आज़म भगत सिंह। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए, मैं कुछ आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया का विकास हुआ और एक तरफ मज़हब के नाम पर सियासत का विकास हुआ। आज मज़हब के नाम वाली सियासत
आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर आक्रमण कर रही है। आज का अगर लुब्बो लुबाब यह है, उस पर मैं आता हूँ क्या किया जाए, पर थोड़ा ख्याल कीजिए। मैं एक्सरसाइज ये है कि एक तरफ वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो मज़हब के नाम की सियासत करना चाहते हैं। ये भी बता दूँ कि इधर के जो लोग हैं, इधर के लोग नए बनते समाज में से आए, मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न लीगल सिस्टम, मॉडर्न जुडिशरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उधर से ये लोग आए। और ये जो पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, इनमें से मज़हब की नाम की सियासत करने वाले आए। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, बाद में आकर कुछ शिक्षित लोग, कुछ बड़े संभ्रांत लोग और कुछ मिडिल क्लास लोग जुड़ गए। तो एक्सरसाइज ये है इधर